मंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद गुरुवार को संसद पहुंचे। संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार संसद में उनकी आवाज दबा नहीं सकती। चिदंबरम ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था गलत हाथों में है और सरकार अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वह प्याज नहीं खाती तो क्या एवोकाडो खाती है। पूर्व वित्त मंत्री से मीडिया ने जब प्याज के बढ़ते दामों के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे प्याज के दाम पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका परिवार प्याज लहसुन जैसी चीजों को खास पसंद नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा प्याज लहसुन नहीं खाती, इसलिए चिंता ना करें। मैं ऐसे परिवार से आती हूं जिसे प्याज की कोई खास परवाह नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया जिसमें पी चिदंबरम के अलावा गौरव गोगाई, अधीर रंजन चौधरी, कुमारी शैलजा के सुरेश, कीर्ति चिदंबरम आदि ने हिस्सा लिया। चिदंबरम 106 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद बुधवार को रिहा हुई। जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, जेल से बाहर निकलने के बाद पी चिदंबरम ने मीडिया को संबोधित किया और कहा, मुझे 106 दिन तक कैद में रखा गया जबकि मेरे खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं किए गए। मैं इन सभी का जवाब जल्द दूंगा। That is diagnosis. If the diagnosis is wrong, the prescription will be useless, maybe even fatal. Even after 7 months into the fiscal year, the BJP government believes that the problems faced by the economy are cyclical. The government is wrong. Let me repeat that. The government is wrong. It is wrong because it's clueless. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism, and centralized control of decision making in the Prime Minister's office. The Prime Minister has been unusually silent on the economy. He has left it to his ministers to indulge in bluff and bluster. The net result, as economists put it, is that the government has turned out to be an incompetent manager of the economy. Those are the words of the economists. Incompetent managers. P. Chidambaram ji ne courton ke sharton ka pehle hi din ullanghan kiya hai. Bhrashtachar ke aarop mein उन पर पिछले 105 दिन केस के चलते जेल में रहना पड़ा। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन चिदंबरम जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि माय रिकॉर्ड एज मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। यही तो आरोप है कि मंत्री पद का कर्तव्य निभाते हुए आपने भ्रष्टाचार किया, यही तो केस है। और इसको खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं निर्णय दिस ईयर पर्टिकुलरली वी आल्सो हैव सम ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स अनड्यू वेदर कंडीशंस फ्लडिंग एज अ रिजल्ट एकरेज हैज कम डाउन एंड देयरफॉर आई थिंक वी हैव टू Keep the context in mind. प्याज का महा घोटाला है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं मेरी बात कोई सुनने के तैयार नहीं है। 32,000 टन प्याज सड़ गई, सरकार कह रही है, और किसी को कानों कान पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है 32,000 टन प्याज सड़ गई। गरीब की थाली में प्याज नहीं है, वो प्याज रोटी खा के अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। और वित्त मंत्री जी कह रहे हैं मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे आप होंगी बहुत बड़ी घराने की राजा रानी, आप नहीं खाती होंगी प्याज, तो मतलब गरीब इसीलिए आप प्याज सड़ाएंगी क्योंकि आप नहीं खाती हैं। तो इसलिए ये एक महा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं 32,000 टन प्याज कागजों में सड़ाई गई है, बाजार में जानबूझकर कमी पैदा की गई है, जमाखोरों और कालाबाजारियों से मिलकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब की थाली का प्याज छीना है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।